तो आज मैं रेजिस्टेंस के टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ, इनका कलर कोडिंग कैसे पढ़ते हैं और मल्टीमीटर से इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले जो हमारी रेजिस्टेंस है, इनका कलर कोडिंग आना बहुत जरूरी है। यदि किसी पर कलर कोडिंग नहीं आता है तो मल्टीमीटर से हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। तो हम कलर कोड देखकर पता कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद मल्टीमीटर से इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही बता रहा है या नहीं। देखो, रेजिस्टेंस की जो टेस्टिंग है तभी सही रहती है कि हमारे पास कलर कोडिंग आनी चाहिए, क्यों कलर कोडिंग से ही हम मल्टीमीटर से वेरीफाई करते हैं, तभी पता चलता है कि इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। यदि इसकी वैल्यू किसी कारण से शिफ्ट हो जाती है तो ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, जो सप्लाई वगैरह में लगते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं, ये सही से काम नहीं कर पाते। कभी कभी इसकी आती है जो हमारी 1K की रेजिस्टेंस है वो 10K 1 मैग में शिफ्ट हो जाती है। तो हमें इसकी कलर कोडिंग बहुत जरूरी है। मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कलर कोडिंग के बारे में बताता हूँ कि कलर कोडिंग कैसे काउंट करते हैं। बहुत सिंपल बताऊंगा, वैसे तो बहुत बड़ा फार्मूला होता है कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप अपना काम चला लें और काम चलाने के बाद मल्टीमीटर से वेरीफाई कर लें कि मल्टीमीटर से हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। ये बहुत आसान है। चलो दोस्तों, मैं कलर कोडिंग अब शुरू करता हूँ, कैसे कलर कोडिंग करते हैं और फिर कैसे हम मल्टीमीटर से वेरीफाई करते हैं, कैसे चेक करते हैं। बस आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा दोस्त। मैं ये स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको इस वाली रेंज में सेट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस वाली। और मैं यहाँ आपको पेपर पे समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें हम ब्लैक ब्लैक का 0 होता है, ब्राउन ब्राउन का 1 होता है, और जो रेड है रेड का 2 होता है, ऑरेंज ऑरेंज का 3 होता है, येलो येलो का 4 होता है, ग्रीन का 5 होता है। और इसके बाद ब्लू ब्लू का 6 होता है, वायलेट वायलेट का 7 होता है, और ग्रे 8 होता है। तो दोस्तों, जो ये हमारे ये हैं, ये एकदम सिंपल है। आपको तो ये कलर तो आपको अपने जबान पर रटने ही पड़ेंगे। जैसे ब्राउन का 1 हुआ, रेड का 2 हुआ, ऑरेंज का 3 हुआ, येलो का 4 हुआ, ग्रीन का 5 हुआ, ब्लू का 6 हुआ, वायलेट का 7 हुआ, और ग्रे का 8 हुआ। या तो किसी पेपर पे आप लिख लो या आप इसको रट लो, तो तभी हम रेजिस्टेंस की सही वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरीफाई करना है ये मल्टीमीटर से हो पाएगा या फिर हमें पहले कलर कोडिंग देखें, क्योंकि वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, मैंने पहले भी बताया है, तो हमें तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, अब शुरू करता हूँ ये वाला जो मैंने अभी लिखा है इसके बारे में। अब शुरू करता हूँ, ये मैंने एक रेजिस्टेंस बना ली सिंपल सी बिल्कुल, ये वाली। ये देखो, इसमें ये वाला मेरा रेड रेड रेड, तो रेड का तो हम ये लिखते हैं 2, रेड जो है कलर इसके 2 लिख दिया, और रेड का ये हुआ 2, और ये वाला रेड रेड का फिर ये 2 2, ये 2, जो भी इसकी फिगर है वो लिख लेते हैं, और ये 2, ये हम ये जो 2 है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब लास्ट वाले की हम सिंपल सी 0 लगा लेते हैं, 2, तो ये 2 है तो इसकी 2 0 लगा ली। अब ये इसको हम ओम में भी लिख सकते हैं, ये वाला हम क्या लिख देते हैं ओम में, या हम इसको जो हम इसे के में डिवाइडेड करें तो हम इसको के में ऐसे लिख सकते हैं 2.2 किलो ओम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं दूसरे वाला रेजिस्टेंस करता हूं ऐसे ही जैसे ये किया। ये तो कलर कोडिंग की, इसके बाद हम इसको मल्टीमीटर से वेरीफाई करते हैं कि ये हमारी 2.2 है भी या नहीं। तो ये देखो 2.2 है,
करेक्ट है, 2.2 किलो ओम दिखा रही है। तो मैं अगली रेजिस्टेंस भी ऐसे चेक करता हूँ, कलर कोडिंग बताता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है सिंपल, तो मैं इसकी भी ऐसे ही ये रेजिस्टेंस बनाई और ये किया, तो इसमें भी हमारे कलर कोडिंग 3 है। ये मेरा टॉलरेंस वाला हुआ, तो हम ऐसे पकड़ते हैं जो टॉलरेंस वाली ये होती है ना टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस को हम नीचे रखते हैं, ये वाला पहले नहीं बताया था मैंने, टॉलरेंस को नीचे रखते हैं और ऊपर से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 1, 2, 3 और ये मेरी टॉलरेंस हुई। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये वाला मेरा कलर, ये हुआ मेरा ब्राउन, और ये वाला हुआ मेरा ब्लैक, और ये वाला हुआ मेरा येलो। तो ये ब्लैक का ब्राउन का क्या होता है, ये ब्राउन है, ब्राउन का होता है 1, ब्लैक का क्या होता है 0, येलो का होता है कितना 4, तो 4 0 लगाएंगे हम इसको, 1, 2, 3, 4। तो जो भी लास्ट में कलर है इसकी हम 0 लगाएंगे, बस आपको ये करना है, एकदम सिंपल तरीका है। तो ये लगाए, यदि मैं, ये हो गया मेरा ओम, मैं इसको किलो ओम में कन्वर्ट करता हूँ। किलो ओम का मतलब 1K का मतलब होता है पूरे 1000, तो 3 0 होती हैं 1K, तो ये 1K, 1 किलो, तो 1K हुआ सीधा सीधा सिंपल सा। तो इसको बोलते हैं हम 1, जब हम इसको इसको डिवाइड करेंगे 1K से, तो ये मेरा हो जाएगा 100K, ये वाला भाग देने से ये खत्म हो जाते हैं, तो 100 किलो ओम। तो अब ये तो मेरा कलर कोडिंग हुआ, इसके बाद मैं इसको मल्टीमीटर से दिखा दूं चेक करके कि ये सही है या नहीं। देखो दोस्तों, पूरी 101, तो ये थोड़ी टॉलरेंस है, इसमें ये 100 किलो ओम की मेरी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है ये वाला। तो आप ऐसे कलर कोडिंग कर सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत होती है कि कलर कोडिंग कैसे करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। और भी आपको एक बार और बता दूं, कोई जैसे ये वाला ये है एकदम सिंपल वाली, ये मेरी तीसरी रेजिस्टेंस है, मैं इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों, फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो जब हम इसको काउंट करते हैं, तो जो मेरी टॉलरेंस वाली है ये वाली, इसको हम नीचे रखते हैं और ऊपर से काउंट करते हैं यहाँ से कलर कोडिंग, तो तब सही बता पाएगा। यदि आप ऐसे उल्टा पकड़ लोगे तो नहीं बता पाएंगे, तो ऐसे करते हैं। और इसके फिर एकदम सिंपल सा, तो ये रेजिस्टेंस हमने फिर ऐसे बनाई, ये रेजिस्टेंस ऐसे बनाई, तो ये मेरी टॉलरेंस है, टॉलरेंस नीचे रखते हैं, तो 1, 2, 3 तीन कलर हो गए, ये टॉलरेंस हुई मेरी, थोड़ा सा गैप होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो कलर है ये है मेरा रेड, दूसरा आपको दिख रहा है ये है मेरा ब्लू, और तीसरा दिख रहा है ये मेरा ऑरेंज, ये मेरी टॉलरेंस। तो इसका हुआ रेड होता है मेरा 2, और ये ब्लू है, ब्लू का होता है 7, ऑरेंज की हमें, ऑरेंज होता है 3, तो 3 का मतलब है मुझे 3 0 लगानी है इसकी। अब ये हो गया मेरा ओम, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको 2 और ये इसको भाग दे के 0 कर दे, तो वो के किलो ओम, तो ये मेरे 27 किलो ओम का हुआ। तो हम इसे एक बार फिर मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, देखो देखो दोस्तों, ये हो रहा है 26.98 किलो ओम, तो ये मेरा 27 का, थोड़ी सी टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस यदि हम इसमें 5% टॉलरेंस लगाए, बिल्कुल इसमें मैच कर रहा है, तो कलर कोडिंग मेरी हुई है। जब कोई वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, यदि कोई वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तो हम ऐसे मल्टीमीटर से और अब कलर कोडिंग से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यही आज की मेरी टेस्टिंग थी, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।